हाय एवरीवन, टुडे वी आर ट्रैवलिंग टू मनाली एंड करंटली हम NH 48 पर हैं, मूविंग टुवर्ड्स दी KMP एक्सप्रेसवे। इन दिस वीडियो आई शैल बी टॉकिंग अबाउट द रूट टू मनाली एंड इन्फो अबाउट वेरियस प्लेसेस ऑन द वे एंड ऑल्सो अ लिटल अबाउट हिस्ट्री ऑफ सम ऑफ देम। Using this KMP expressway or Western Peripheral Expressway, you can avoid crossing the entire city of Delhi and ye merge hota hai National Highway 44 par. So, on our way to Manali, hum Ambala tak isi road pe travel karenge. ये जो NH 44 का हाईवे है, मोस्ट ऑफ यू मे नो दैट इट इज़ पार्ट ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड, लेकिन हिस्टोरिकली इसको उत्तर पथ भी कहा जाता था। इनफैक्ट ऑन आवर वे टू मनाली, इस हाईवे पर जो हमें मेजर सिटीज मिलेंगी ऑन द साइड ऑफ हरियाणा, दैट इज सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, दे हैव अ हिस्ट्री एक्सटेंडिंग वे बैक टू द वैदिक एरा एंड वर पार्ट ऑफ द कुरु एम्पायर हुज लीनिएज लेटर फॉट द वॉर ऑफ महाभारत। एंड वेन द कुरु एम्पायर गॉट डिवाइडेड, मैनी ऑफ दीज सिटीज विच वर ऑन द राइट बैंक ऑफ द यमुना रिवर वर गिवन टू द पांडवास। वी हैव जस्ट पास द सिटी ऑफ अम्बाला एंड आर जस्ट अबाउट एट द बॉर्डर क्रॉसिंग ऑफ हरियाणा एंड पंजाब एंड यहाँ से हम राइट लेंगे। बेसिकली यहाँ से हम नेशनल हाईवे 44 को छोड़ के नेशनल हाईवे 205 पर जाएंगे। राइट नाउ खरार शहर से पास कर रहे हैं। बींग वेरी क्लोज टू मोहाली एंड चंडीगढ़, इट्स अ वेरी बिजी प्लेस। अभी हम पास कर रहे हैं रूपनगर शहर से, जिसको कि रोपड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास से ही सतलुज रिवर टेक्स अ वेस्टर्न टर्न और ये यहां से निकल रहा है नेशनल हाईवे 344A, जिसको कि लेकर आप फगवाड़ा जलंधर होते हुए यू कैन एंटर इनटू द कांगड़ा वैली। वी आर ऑफ कोर्स गोइंग टू कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 205। ये जगह रोपड़ की एक पॉपुलर वैदिक सिविलाइजेशन साइट भी है एंड यहाँ इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी बना हुआ है। Unlike several other Vedic civilization sites in Rajasthan, Gujarat and even Haryana, जो कि deserted कर दी गई थी उस time पर because of changes in river course and weather patterns, Ropad on the other hand exhibits a continuity from the Vedic civilization or the Vedic times to the medieval times. हम पास कर रहे हैं घनौली से। हिमाचल का बॉर्डर यहाँ से सिर्फ करीब 4-5 किलोमीटर ही दूर है। इस टाउन से ऑलमोस्ट आधे घंटे की दूरी पर है नालागढ़ फोर्ट, जो कि एक्चुअली में तो हिमाचल के सोलान डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट सोलान टाउन से ज़्यादा दूर है कंपेयर टू दिस प्लेस। इस फोर्ट को चंदेला राजपूत के राजा विक्रम चंद ने 1421 में बनवाया था एंड जो नाउ अब एक होटल भी है। आ गए हैं हम भरतगढ़ में। यहाँ पर ही द पंजाब बॉर्डर एंड्स एंड हिमाचल प्रदेश बिगिंस। ये राइट में जो रोड है, इट टेक्स अस इनसाइड द भरतगढ़ टाउन एंड द नालागढ़ फोर्ट, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था।
यहाँ अगेन राइट में जो रोड है इट कनेक्ट्स टू नेशनल हाईवे 105 विच ऑल्सो टेक्स यू टू मनाली। हाउएवर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन दिस वेरी नेशनल हाईवे 205 रोड विच मे टेक अस अ फ्यू मिनट्स मोर बट आई एम गोइंग टू कैरी ऑन दिस रोड बिकॉज आई एम नॉट श्योर ऑफ द कंडीशन ऑफ दैट फीडर रोड दैट वी जस्ट वेंट पास्ट। ऑल्सो दिस रोड विल अल्टीमेटली मीट दैट नेशनल हाईवे 105 ओनली एट अ प्लेस कॉल्ड स्वर्घाट। ऑल्सो द हिली टेरेन बस इसी एरिया के आसपास से शुरू होता है। सो असेंशली दिस प्लेस इज स्टैंड एज अ ट्रांजिशन पॉइंट और अ ट्रांजिशन जोन फ्रॉम प्लेन्स टू हिल्स। एंड सो इस एरिया के स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखते हुए यहाँ पर भी एक फोर्ट है विद द नेम ऑफ भरतगढ़ फोर्ट विच अगेन नाउ इज अ होटल। हम पास कर रहे हैं किरतपुर साहिब टाउन के साथ से। दिस टाउन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1627 बाय द सिक्स्थ सिख गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो हम अनंतपुर साहिब की तरफ निकल जाएंगे बट हम यहाँ से राइट लेंगे टूवर्ड्स मनाली। ऑल्सो फॉर दिस रूट टू मनाली द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल इज अबाउट 15 टू 20 मिनट्स फ्रॉम कीरतपुर साहिब। सो en route टू मनाली दिस इज वेयर द पंजाब बॉर्डर एंड्स एंड वी एंटर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम हेयर। ये जगह है स्वर्घाट। यहाँ से गुरु गोविंद सिंह सागर लेक के पैनोरामिक व्यूज भी मिल सकते हैं एंड ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्टॉप ओवर पॉइंट्स एंड रूट टू मनाली। स्वर्घाट में यहाँ इस जगह पर बोथ NH-205 एंड NH-105 हाईवेज आर मीटिंग। सो इवन इफ यू हैड टेकन द NH-105 रूट आफ्टर भरतगढ़ इवेंचुअली यू वुड कम हैन मीट हेयर। ये जगह है प्रांगल। यहाँ से वी लीव NH-205 जो कि यहाँ से ये घूम गया है एंड विच टेक्स यू टू शिमला अल्टीमेटली एंड इंस्टेड वी टेक दिस हाईवे NH-154 टू मनाली। तो अब हम आ गए हैं इन वन ऑफ द बिगर इंडियन सिटीज बिलासपुर में। इस शहर का काफी पुराना इतिहास रहा है। एंशियंट हिस्ट्री लाइक फॉर मोस्ट अदर इंडियन सिटीज एंड प्लेसेस is generally traced back to the Mahabharata era for this place as well. But agar hum early medieval period ki baat karein, to 7th century mein ye shahar Chandela Rajput ki kingdom ki rajdhani bana, which ultimately became a very prominent and powerful kingdom. Ek aur powerful kingdom iske paas mein hi tha, aur wo tha Katoch dynasty ka Kangra kingdom. In 1805, the then Katoch king Sansar Chand, riding high from his conquest of Chamba and Mandi kingdoms, planned an invasion of Bilaspur. This made the then king of Bilaspur invite the Gurkha army to his aid. This caused major reversals for the Katoch king in battle, who was then forced to ask for help from Maharaja Ranjit Singh. This ultimately resulted in the Gurkha Sikh War of 1809, which the Gurkha army lost. And this also led ultimately to the expansion of the Ranjit Singh Empire later on. Also, Bilaspur ke baad se, the Satluj River moves away from us
दैट इज़ हाईवे 154 फॉर सम टाइम, ऑल्दो इवेंचुअली टू रीच मनाली वी वुड बी क्रॉसिंग द सतलुज रिवर लेटर ऑन। आ गए हैं हम कागज पर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन वेयर वी कैन टेक नेशनल हाईवे 103, ऑल्सो नोन एज द शिमला कांगड़ा रोड टू शिमला और द कांगड़ा वैली, दैट इज कांगड़ा, पालमपुर, मैक्लोडगंज, धर्मशाला एक्सेट्रा, और मूव फर्दर ऑन दिस रोड ऑफ नेशनल हाईवे 154 टू मनाली। अभी हम हैं सलापेर के पास एंड अल्टीमेटली क्रॉसिंग दी सतलुज रिवर फ्रॉम हेयर, जो कि हमारे काफ़ी रास्ते तक साथ चली थी। एंड नाउ एन रूट टू मनाली वी शैल सून बी एकम्पनीड बाय दी बियास रिवर। आ गए हैं हम सुंदरनगर में। बींग वन ऑफ द बिगर टाउन्स इन हिमाचल प्रदेश, इट इज इंडीड क्वाइट बिजी। दिस प्लेस इज वन ऑफ द हब्स ऑफ फार्मा एंड एडिबल ऑयल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन हिमाचल। ये शहर मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है एंड इट वॉज पार्ट ऑफ अ फॉर्मर किंगडम ऑफ सुकेत अंडर द सेन डायनेस्टी। This kingdom was largely able to maintain its independent existence throughout its history with ebb and flow, ultimately getting the status of a princely state under the British rule of India after signing the Treaty of Alliance in Bilaspur in 1846 along with Mandi. ये हम क्रॉस कर रहे हैं सुकेती खाड़ नदी पे बने हुए ब्रिज को और ये जगह है ददौर। तो हम पहुंच गए हैं मंडी शहर के आउटस्कर्ट्स पे एंड आगे का रास्ता, दैट इज़ फ्रॉम मंडी से लेकर मनाली तक का, हम कल कवर करेंगे एंड सो इट विल बी इन द नेक्स्ट पार्ट। वी शैल बी टेकिंग दिस होटल वैली व्यू विच इज़ राइट एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ मंडी ऑन द हाईवे 154। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।